हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर गेट ईएससी एंड पीएसयूज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस होमवर्क क्वेश्चंस। यस डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को रिमेम्बर होगा कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस ट्राई किया होगा और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस बन भी गए होंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली क्रैक हो गए होंगे ना डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करने वाले डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आज के हमारा जो लेक्चर है, इसका एजेंडा क्या है ना। तो डियर स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर का एजेंडा है होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर का हमारा एजेंडा है होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कशन। और डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। यस डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो पढ़ रहे हैं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड अभी हम पढ़ रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है, उस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था। और डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वो सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले। सो डियर स्टूडेंट, ज्यादा टाइम नहीं करते, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर वन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एज अ होमवर्क दिया था। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको रिमेम्बर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं करते हुए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन पे। यस डियर स्टूडेंट्स, है ना। अरुणा लेफ्ट फॉर CTA फ्रॉम CTV एट 5:20 AM। सो डियर स्टूडेंट्स, इतना जो स्टेटमेंट है, जो कि मैं अंडरलाइन किया हूँ, उस स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग है, अरुणा CTV से CTA के लिए निकलती है ना डियर स्टूडेंट। अरुणा CTV से CTA के लिए निकलती है ना डियर स्टूडेंट्स 5:20 AM पर। अरुणा लेफ्ट फॉर CTA फ्रॉम CTV। सो डियर स्टूडेंट, CTV से अरुणा CTA के लिए निकलती है एट 5:20 AM। सो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया। और एक बार और मैं जाते जाते, मतलब थोड़ा सा आगे, मतलब कंटिन्यू करने से पहले एक बार और आपको बता देता हूँ। अरुणा लेफ्ट फॉर CTA फ्रॉम सिटी। अरुणा लेफ्ट फॉर CTA फ्रॉम CTV एट 5:20 AM। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्टेटमेंट अंडरलाइन किया हूँ, उसका सिंपल सा मीनिंग है, अरुणा लेफ्ट फॉर CTA फ्रॉम CTV। सो डियर स्टूडेंट्स, अरुणा जो है वो CTV से निकलती है CTA के लिए। यस डियर स्टूडेंट्स, अरुणा CTV से निकलती है CTA के लिए 5:20 AM पर। यस डियर स्टूडेंट्स, अरुणा CTV से निकलती है CTA के लिए 5:20 AM पर। सी ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 80 km/h फॉर 2 hours 15 minutes। सो डियर स्टूडेंट्स, अरुणा क्या काम करती है, वो जब CTV से निकलती है CTA के लिए 5:20 AM पर, तो वो 2 hours 15 minute 80 km/h की स्पीड से ट्रेवल करती है 80 km/h की। आफ्टर दैट द स्पीड वॉज रिड्यूस। फिर वो क्या 5:20 AM से स्टार्ट करती है ना, तो 5:20 AM से वो स्टार्ट करती है 80 km/h की स्पीड से। 2 hours 15 minute वो ट्रेवल करने के बाद वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर लेती है 60 km/h। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे उसने 5:20 AM से स्टार्ट किया, तो ये हमारा 5:20 AM से स्टार्ट किया और 2 hours 15 minute यदि उसने ट्रेवल किया, तो डियर स्टूडेंट 7:35 है ना डियर स्टूडेंट। 7:35 AM से वो जो क्या काम कर रही है, 60 km/h की स्पीड से ट्रेवल करेगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 350 किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, CTB और CTA के बीच का हमको डिस्टेंस गिवन है 350 किलोमीटर। एट वॉट टाइम डिड अरुणा रीच CTA? सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस समय अरुणा CTA में पहुंचेगी, है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। तो इसमें ऑप्शन ए गिवन है 9:20 AM, ऑप्शन बी गिवन है 9:25 AM, ऑप्शन सी गिवन है 9:35 AM, ऑप्शन डी गिवन है नन ऑफ दिस।
सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो आपके क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम ज्यादा टाइम नहीं करते हुए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। यस डियर स्टूडेंट्स, है ना, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, है ना, बढ़िया सॉल्व कराता हूँ, बढ़िया बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रही हमारी सिटी वी। यस डियर स्टूडेंट, ये है सिटी वी, जहां से 520 AM में अरुणा क्या काम करती है। अरुणा लेफ्ट सिटी ए फ्रॉम सिटी वी एट 520 AM। तो अरुणा जो है 520 AM में सिटी वी से निकलती है सिटी ए के लिए। यस डियर स्टूडेंट्स, अरुणा 520 AM में सीटीवी से निकलती है सीटी ए के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, ये अरुणा जो है, ये है हमारी सीटी ए। तो अरुणा जो है 520 AM में सीटीवी से निकलती है सीटी ए के लिए। आई होप डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं कंटिन्यू इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। सी ट्रेवल्ड एट द स्पीड 80 km/h for 2 hours 15 minutes। So dear friends, अरुणा जो है 80 km/h की स्पीड से ट्रेवल करती है 2 hours 15 minutes। यस डियर स्टूडेंट, 2 hours 15 minutes। सो डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बताया था, अब देखो 5:20 AM प्लस 2 hours 15 minutes। यस डियर स्टूडेंट्स, 2 hours 15 minutes वो ट्रेवल कर रही है ना, 2 hours 15 minutes, है ना, 2 hours 15 minutes तक जब वो 5:20 AM से जब अरुणा निकलती है अपने सिटी बी से सिटी ए के लिए, तो वो 80 km/h की स्पीड से ट्रेवल करती है 2 hours 15 minutes। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं ऐड कर दिया 2 hours 15 minutes, तो ये हो गया 5:37। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा टाइम। सो डियर स्टूडेंट, 5:20 AM टू 7:35 AM, 5:20 AM टू 7:35 AM अरुणा ट्रेवल करेगी 80 km/h स्पीड से 2 hours। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट द स्पीड वॉज रिड्यूस्ड, आफ्टर क्या कर ली थी, जो हमारी अरुणा है वो स्पीड को रिड्यूस कर लेती है 60 km/h, 60 km/h। यस डियर फ्रेंड्स, है ना, आफ्टर दैट द स्पीड वॉज रिड्यूस्ड 60 km/h, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 350 km। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिटी है, दोनों सिटी के बीच का हमको डिस्टेंस गिवन है, हाउ मच, 350 km। यस डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है 350 किलोमीटर। और मैं कैसे लिखाऊं 350 किलोमीटर, कैसे लिखाऊं डियर स्टूडेंट्स, ये आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना डियर स्टूडेंट्स, 300 से, ये 350 लिखा हुआ है, 350 किलोमीटर। यस डियर स्टूडेंट्स, तो देखो ये इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 350 किलोमीटर, ये डियर स्टूडेंट्स जो दोनों सिटी है उनके बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है, सिटी बी और सिटी ए के बीच का हमको डिस्टेंस गिवन है 350 किलोमीटर। एट वॉट टाइम डिड अरुणा रीच सिटी ए, और स्टूडेंट्स इसमें हमको पूछा है कि कितने समय में अरुणा सिटी ए में पहुंच जाएगी, है ना, कितने समय में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो मैं आपको बताता हूं कि अब हमको तो पता है कि 7:35 AM में वो यहां तक पहुंच जा रही है ना, वो जो 80 km/h की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, अब हमको निकालना है कि वो यहां तक कितने पहुंचेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम देखो वो टाइम इक्वल टू होता है
डिस्टेंस वाइज स्पीड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन को स्पीड गिवन है 60, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा डिस्टेंस है उसकी, उसमें जो ट्रेवल कर रही है अरुणा, उसकी स्पीड हमको गिवन है 60 km/h। व्हाट डियर स्टूडेंट्स, हमको जो डिस्टेंस है ये इतना डिस्टेंस हमको गिवन नहीं है इसमें ना, आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अपन लोग नहीं जानते हैं ना, अननोन डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग जानते नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, हम देखो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन रही, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर सिंपल सी पॉसिबिलिटी बन रही कि यहाँ पर हमको देखो टाइम गिवन है, हमको यहाँ हमको टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यस डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, क्या कर दिया मैंने, ये हो गया हमारा जो स्पीड है 80 km/h इनटू टाइम। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो टाइम हमको गिवन है, सो डियर स्टूडेंट 2 hours 15 minutes, सो डियर स्टूडेंट टाइम हमको गिवन है 2 hours 15 minutes। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम जो 15 minutes को भी हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 15 मिनट को भी हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखना, यहाँ पर ऑलरेडी सब लोगों को आता होगा, कोई नई बात नहीं है। देखो डियर स्टूडेंट, 1 hour इक्वल टू होता है 60 मिनट। यस डियर स्टूडेंट, 1 hour इक्वल टू होता है 60 मिनट। सो डियर स्टूडेंट, अब देखो, अब डियर स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, हम सिंपल सा इसको हम दूसरा कलर चेंज कर लेते, तो इसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे, हम दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। यस डियर स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट ये हो गया 1/4 hour और ये हो गया हमारा 15 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो ये मैंने कन्वर्ट कर दी हूँ, 15 मिनट को आवर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना कितना हो गया, हाउ मच, ये हो गया 1/4 hours। सो डियर स्टूडेंट्स, कितना टाइम ले रहा था ये, 2 hours plus 1/4 hours, ये दोनों टाइम को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 2 right 1/4 hours। यस डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इसको मैं और सिंपल कर दूं ना, तो हो गया, ये हो गया अपना 9/4 hours। यस डियर स्टूडेंट, थोड़ा ये यहाँ पर कर दूं कि इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ये 9/4 है ना, ये 9/4 hour हो गया। यस डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने किया हूँ ये हो गया 9/4 hours। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, है ना, 9/4 hours। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं कैसे क्या किया हूँ, है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट भी कर देता हूँ, ये जो मैंने जो भी कुछ किया हूँ इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, ताकि कहीं से कुछ मर्ज ना हो। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, मैंने इसको सेपरेट कर दिया हूँ। अब बढ़िया, हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे इसको अपन लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल करते हैं ना इसको, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 180 किलोमीटर। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया हमारा 180 किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया 180 किलोमीटर। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस हो गया हमारा 180 किलोमीटर, और डियर स्टूडेंट्स टोटल हमारा डिस्टेंस है 350 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस में हम ये 180 किलोमीटर को कर देंगे माइनस, सो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो डिस्टेंस जो निकल कर आएगा वो आएगा 170 किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डिस्टेंस यहाँ का है 170 किलोमीटर। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे ये डिस्टेंस यहाँ का निकाल लिया हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 170 किलोमीटर यहाँ का डिस्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ही थोड़ा सा एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, है ना, ये अपना स्पेस है, इस स्पेस में सॉल्व करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना, इसको, तो यहाँ पर डिस्टेंस है 170 किलोमीटर अपॉन यहाँ स्पीड हमारी है 60 km/h। यस डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा ये आ गया है हाउ मच, कितना आया डियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसको मैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से अपना सॉल्व करते, तो आ गया 2 right 5/6। यस डियर स्टूडेंट, 2 right 5/6, और डियर स्टूडेंट इसको इसको देखो, तो ये क्या है,
ये जो है डियर स्टूडेंट इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कितने में, अब ये स्टूडेंट इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, तो ये स्टूडेंट्स अपना यदि मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो पॉइंट में कन्वर्ट होगा तो ये आएगा 2.83। यस डियर स्टूडेंट 2.83 इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट किया, क्योंकि देखो ये इसको मैं सिंपल किया, सिंपल सिंपल फ्रैक्शन बना के जब मैं इसको डिवाइड किया तो आ गया 2.83 है ना जी स्टूडेंट्स। अब देखो ये क्या है, ये टाइम जो अपने को मिल गया है 2 आवर्स, 2 आवर्स से तो टाइम अपन को मिल गया, लेकिन जो 83 है ना वो हमारा है 60 मिनट का 83%। सो डियर स्टूडेंट 60 मिनट का हम 83% निकालेंगे तो वो हमारा निकलेगा, हमारा कितना निकलेगा 50 मिनट। यस डियर स्टूडेंट्स तो हमारा जो क्या है, अब जो हमारा टाइम है क्या, अब थोड़ा सा मैं इसको यहीं पर सॉल्व करा देता हूँ है ना। देखो ये 7:35 PM पे यहाँ पर आया, प्लस ये इसमें हम ऐड कर दिए 2 आवर्स है ना 15 मिनट्स, 2 आवर्स 15 मिनट है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो अपना जो यहाँ पर जब मैं सॉल्व किया ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस वाइज स्पीड इतना सॉल्व किया तो इसका टाइम निकला 2 आवर्स 15 मिनट। डियर स्टूडेंट 2 आवर्स 15 मिनट निकला इसका टाइम, तो डियर स्टूडेंट से यहाँ कितने टाइम में पहुंचेगा, तो यहाँ पर पहुंचेगा वो 10:25 AM। यस डियर स्टूडेंट तो डियर स्टूडेंट्स अपना कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, तो डियर स्टूडेंट्स अपना कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, इसका आंसर है नन ऑफ दिस। यस डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है नन ऑफ दिस। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स अरुणा लेफ्ट फॉर CTA फ्रॉम CTB, अरुणा जो है वो CTB से निकलती है CTA के लिए, CTA के लिए 520 AM पर, शी ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 80 KMPH, वो कि 80 KMPH की स्पीड से 2 आवर्स 15 मिनट ट्रेवल करती है, 2 आवर्स 15 मिनट 80 KMPH की स्पीड से ट्रेवल करती है। आफ्टर दैट द स्पीड वॉज रिड्यूस 260 KMPH, उसके बाद अरुणा अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लेती है 60 KMPH। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 350 किलोमीटर, एट वॉट टाइम डिड अरुणा रीच सिटी ए। तो डियर स्टूडेंट्स अपन से पूछा है कि अरुणा जो है वो सिटी ए में कितने टाइम में पूछेगी। सो डियर स्टूडेंट्स देखो 350 किलोमीटर ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन था, ये जो डिस्टेंस तो मैं लिख दिया हूँ वो डिस्टेंस, उसके साथ साथ 80 KMPH ये वाली स्पीड भी हमको गिवन थी, उसके साथ साथ 60 KMPH ये स्पीड भी हमको गिवन थी, और ये भी गिवन था हम लोग की 520 AM पर अरुणा CTV से निकल रही है CTA के लिए, और वो 200 क्या बोलते हैं 2 आवर्स 15 मिनट ट्रैवल कर रही है की स्पीड से। तो डियर स्टूडेंट 7:35 AM तक उसने ये ट्रैवल किया है क्या 80 KMPH की स्पीड से। ये देखो मैं ये एक्सप्लेन किया हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, तो हमको क्या काम था, देखो अब हमको यहाँ का डिस्टेंस पता चाहिए था है ना, क्योंकि हमको निकालना है यहाँ का टाइम, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो यहाँ की हमको जो डिस्टेंस गिवन नहीं थी तो हमने क्या काम किया, या डिस्टेंस गिवन नहीं थी तो हमने हमारे यहाँ पर पास यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन रही थी, क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही थी कि हमको यहाँ पर ये देखो स्पीड गिवन है और हमको टाइम गिवन है, तो हम यहाँ से ये डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, तो हमने ये स्पीड है ना, ये जो स्पीड है इस स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई किया। ये देखो डियर स्टूडेंट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये देखो 80 KMPH इंटू ये जो मैं क्या बोलते हैं ये जो अपना टाइम है 2 आवर्स 15 मिनट, तो ये 2 तो आवर्स में, लेकिन 15 मिनट को भी मैं ये देखो आवर्स में कन्वर्ट करती हूँ, ये 15 मिनट को भी मैं आवर्स में कन्वर्ट करती हूँ यहाँ पर, और आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर टोटल में जो सिंपल करके जो हुआ है उसको मैं ये देखो डिस्टेंस इंटू स्पीड कर दिया है ना, तो ये डिस्टेंस तो जो टाइम यहाँ पे आवर्स में ही है पूरा फुल टाइम। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद मैं जब कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद आया डियर स्टूडेंट यहाँ पर कितना आया, हाउ मच, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, 80 किलोमीटर आ गया ना डियर स्टूडेंट, ये इतनी डिस्टेंस हमको 80 किलोमीटर आ गई, और टोटल डिस्टेंस थी हमारी 350 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद देखो यदि टोटल डिस्टेंस 350 किलोमीटर है और मेरे को इतना डिस्टेंस पता है बी टू 7:35 AM, तो डियर स्टूडेंट्स क्या मैं इतनी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, या डियर स्टूडेंट्स मैं बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा 355 टोटल पूरा डिस्टेंस, उसमें से माइनस कर दिया मैंने 180 किलोमीटर, या डियर स्टूडेंट्स उसमें से मैंने 180 किलोमीटर को माइनस कर दिया, तो हमारी यहाँ की डिस्टेंस आ गई 170 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गई। आप डियर स्टूडेंट्स
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, तो यहाँ का टाइम मुझे चाहिए था, तो मैंने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं हो रहा था, मैंने इसको यहाँ पर लेकर सॉल्व कर दिया हूँ। तो देखो टोटल मेरा जो डिस्टेंस था 170 किलोमीटर, यहाँ का डिस्टेंस था मेरा, और उसके साथ साथ जो मैं स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, अरुणा जो भी स्पीड से ट्रैवल कर रही थी वो थी 60 KMPH, 60 किलोमीटर पर आवर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये यह हमारी 170 किलोमीटर से डिस्टेंस, और ये जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। यस डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल किया डियर स्टूडेंट्स। सिंपल करने की बात, फिर हम लोगों ने ये देखो क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं उसको क्या काम किया, डिवाइड किया। जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर से ड्राइव क्या बोलते हैं डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद 2.835 आ गया है ना डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पे आया। तो डियर स्टूडेंट ये सिंपल सा, ये 2 आवर्स तो है ही अपना टाइम, और जो 0.83, तो इसको क्योंकि ये है अपना मिनट में 83, तो क्या है इसको मैंने देखो, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं, है ना। तो क्या है, दो 60 जो 60 मिनट है, 60 मिनट में होते हैं 1 आवर्स डियर स्टूडेंट्स, है ना, 60 मिनट में होते हैं 1 आवर्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स की आपको समझ में आया होगा। तो ये 83 है, तो 83 को मैं कन्वर्ट किया काहे में, 83 को मैं कन्वर्ट किया, देखो ये 60 का 83% मैंने निकाला, 60 का मैंने 83% निकाला, क्योंकि यहां पर ये 100 होगा तभी तो 3 बनेगा ना, तो मैंने उसका मैंने निकाला क्या, 60 का 83% निकाला, जो कि आगे अपना 50 मिनट डियर स्टूडेंट्स। तो 2 आवर्स 50 मिनट में डियर स्टूडेंट्स ये जो है मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डियर स्टूडेंट 7:35 AM में यहाँ पहुंच गया, इसमें मैंने 2 आवर्स 15 मिनट ऐड ऐड किया, तो डियर स्टूडेंट ये आ गया हमारा 10:25 AM। तो डियर स्टूडेंट्स अरुणा जो है वो CTA में पहुंचेगी 10:25 AM में। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है, कोई भी आंसर इसमें हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर है नन ऑफ दिस। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर देन दैट इन द रिटर्न जर्नी। द ट्रेन हेल्ड्स फॉर 1 आवर ऑन रीचिंग द डिस्टेंस। द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट टू एंड फ्रो जर्नी 17 आवर्स कवरिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ऑनवर्ड जर्नी इज ऑप्शन ए 45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 47.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 52 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 56.25 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा, है ना, ये रहा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ वर्ड गिवन है उनके मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि ये हेड्स है ना, हेड्स का मीनिंग होता है स्टॉफ। जो हेड यहाँ वर्ड यूज हुआ है हमारे क्वेश्चन में, उस हेड का मीनिंग होता है स्टॉप। बट ये स्टूडेंट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये वर्ड का मीनिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब ये जो हमारे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो कि एवरेज होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं स्ट्रांग होते हैं, कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं। तो जो स्टूडेंट स्ट्रांग है और जो थोड़ा सा है तो मतलब एक्टिव है, तो उसको तो ये वर्ड का मीनिंग पता होगा ना हेड का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो हमने बता दिया हेड का मीनिंग होता है स्टॉप, है ना डियर स्टूडेंट्स, हेल्ड का मीनिंग होता है स्टॉप। द ट्रेन हेल्ड फॉर 1 आवर ऑन रीचिंग द डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारी ट्रेन है वो 1 आवर के लिए रुक गई हो गई। यस डियर स्टूडेंट, हेल्ड मीन्स होता है स्टॉप। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हेल्ड मीन्स स्टॉप होता है, ये आपको समझ में आया होगा। फिर डियर स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये होगा ऑनवर्ड जर्नी, तो डियर स्टूडेंट ऑनवर्ड जर्नी का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैं हूँ ये है दिल्ली, दिल्ली टू मैं मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना, ये डिस्टेंस मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हो गई मेरी ऑनवर्ड जर्नी। तो डियर स्टूडेंट फिर मैं मुंबई से रिटर्न आ रहा हूँ दिल्ली, तो ये हो गई मेरी रिटर्न जर्नी है डियर स्टूडेंट। तो आई होप कि ये रिटर्न जर्नी और ऑनवर्ड जर्नी का आपको समझ में आया होगा ना। ये रिटर्न जर्नी और ऑनवर्ड जर्नी का भी मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द टोटल टाइम टेकन फॉर दी कंप्लीट टू एंड फ्रो जर्नी 17 आवर्स कवरिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो देखो, एक तो क्या कहा, एक तो अपन क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं ऑनवर्ड जर्नी और ये हमारी रिटर्न जर्नी। तो ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों को मिलाकर जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो है 800 किलोमीटर। यस डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना ऑनवर्ड जर्नी रिटर्न जर्नी दोनों को मिलाकर जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो है 800 किलोमीटर। जब हमने दोनों को मिलाकर 800 किलोमीटर कवर किया, तो हमने ऑनवर्ड जर्नी में 400 किलोमीटर
डिस्टेंस को कवर किया और रिटर्न जर्नी में फिर हमने 400 किलोमीटर को किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, है ना। थोड़ा सा ये तो हो गया, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर देन दैट इन द रिटर्न जर्नी। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी रिटर्न जर्नी है, रिटर्न जर्नी की स्पीड हमने मान ली है एस, जो कि 100% है। देखो एस 100% है ना, जो एस जो कि स्पीड 100% है, एस इंटू 100 डिवाइड बाय 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, एस 100% जो रिटर्न जर्नी की स्पीड है। और इसमें क्या क्या बोला है कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन दी ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर। तो ये जो 100% है, ये 100% में मैं 25% को ऐड कर दिया, हो गया 125%। तो और जो ऑनवर्ड जर्नी है, ऑनवर्ड जर्नी की जो स्पीड हो गई एस इंटू 125%। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट चैप्टर हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिटी गिवन नहीं है कि कौन कौन सी सिटी से सिटी में जा रहे हैं और कहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, क्या ए और बी मान लेता है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि ये हो गई हमारी, क्या ये हो गई हमारी सिटी ए। यस डियर स्टूडेंट, ये हो गई हमारी सिटी ए, ये हो गई हमारी सिटी बी, है ना डियर स्टूडेंट। तो क्या होगा कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर देन दैट इन द रिटर्न जर्नी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि देखो ये जो रिटर्न जर्नी है, ये जो रिटर्न जर्नी है, रिटर्न जर्नी की स्पीड हमने माना एस, रिटर्न जर्नी की स्पीड माना हमने एस, जो कि 100% है, और इससे 25% मोर है ना, इससे 25% मोर ऑनवर्ड जर्नी की स्पीड है। तो ये हो गई ऑनवर्ड जर्नी, है ना। तो ऑनवर्ड जर्नी की स्पीड जो, उसको मैंने उसको हमने क्या काम कर दिए, उसको हमने कर दिए 125%, है ना, ये एस, है ना डियर स्टूडेंट। इससे 125% ये हो गई मोर। यस डियर स्टूडेंट्स, 125% मोर हो गई इससे ये, क्योंकि क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से। तो देखो क्या है कि 25% मोर है ना, यदि 100% है हमारी रिटर्न जर्नी की स्पीड, तो उससे 125% मोर। देखो ये 125%, कैसे 125% आया, यदि ये स्पीड हमारी रिटर्न जर्नी की स्पीड है, हमारी 100% है, तो उसमें जो 25% मोर, तो 25 को हमने ऐड कर दिया, 100 में 25 को ऐड कर दिया। देखो ये एस ऑलरेडी मैं आपको समझा ही था, ये 100% है ना, ये 100% है ऑलरेडी, कोई भी चीज 100% ही होती है ना। जैसे ये हटा दिया इसको मैंने, ये 100 में से 100 कैंसिल आउट हो गया, एस ये 100% है, अभी 100% है, तो इसमें बोला कि 25% मोर। तो 25% मोर, जब ये हमारी रिटर्न स्पीड 100% है और ऑनवर्ड जर्नी की स्पीड उससे 25% मोर है, तो 100 प्लस 25 है ना ये स्टूडेंट्स, तो हो गया 125%, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये स्टूडेंट्स। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि ये लिखा था, ये टोटल जो डिस्टेंस है इसमें जो कवर कर रहे हैं, वो इसमें बोला कि 800 किलोमीटर। जैसे डियर स्टूडेंट, 800 किलोमीटर बोला है, 800 किलोमीटर कौन सी डिस्टेंस बोला है, ये ऑनवर्ड जर्नी की और रिटर्न जर्नी की दोनों मिलाकर 800 किलोमीटर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो होगी, ये होगी 400 किलोमीटर होगी ओनली, ये जो डिस्टेंस है ओनली 400 किलोमीटर है डिस्टेंस, है ना, क्योंकि वो जो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया हमने, वो कैसा बोल रहा है टोटल डिस्टेंस, वो बोल रहा है कि हम लोग क्या है, हम सिटी ए से सिटी बी गए, फिर सिटी बी से वापिस आए सिटी ए, तो उसका डिस्टेंस बता रहा है वो 800 किलोमीटर। तो हमने तो हाफ ही ये ट्रेवल किया ना, तो जो हाफ स्पीड क्या होगा, हाफ स्पीड होगा ये 400 किलोमीटर। यस डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है आगे क्वेश्चन, द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट, है ना, फॉर द कंप्लीट टू एंड फ्रो जर्नी इज 17 आवर्स। तो
डियर स्टूडेंट्स क्या है, तो जो टाइम है ए बी, तो यह है ऑनवर्ड जर्नी का टाइम प्लस टी बी ए, टी ए बी है ये ऑनवर्ड जर्नी का टाइम प्लस टी बी ए है ये है रिटर्न जर्नी का टाइम प्लस हेल्ट, प्लस जो 1 आवर का जो हेल्ट लिया है। तो डियर स्टूडेंट ये टोटल कितना टाइम गिवन है यहाँ पर, टोटल टाइम क्या, दैट द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट टू एंड फ्रो जर्नी 17 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट ये पूरा है टोटल 17 आवर्स है ना, तो ये 17 आवर्स में अपना वो वाला टाइम भी तो काउंट होगा जो कि अपन ने ब्रेक लिए, हेल्थ लिया ना डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं कैसे कैसे ये लिखा हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में बोला था मैं वही लिख दिया हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये अपना 1 आवर का हेल्थ है, हेल्थ कितने का लिए 1 आवर का। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यदि 1 आवर का हेल्ट है तो ये हो जाएगा ऑनवर्ड टाइम है ना, जर्नी का ऑनवर्ड टाइम प्लस जर्नी का रिटर्न टाइम है ना इक्वल टू 16 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट 16 आवर्स कैसे हो गया, ये 16 आवर्स क्योंकि ये 1 आवर का हेल्ट था, तो ये 1 आवर को मैं यहाँ पुट किया, इधर से मैं इसको ट्रांसफर किया और 17 माइनस 1 इक्वल टू 16 आवर्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा है ना डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या काम करते हैं, तो जो द स्पीड ऑफ द ऑनवर्ड जर्नी, तो ऑनवर्ड जर्नी की हमको इसमें स्पीड पूछा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चलता हूँ आपको लिखा है ना, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। अब बढ़िया, नेक्स्ट पेज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा क्या काम करता हूँ मैं आपको है ना, अब थोड़ा सा मैं आपको हमारा जो प्रीवियस पेज है उस पेज में लेकर चलता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा सा मैं प्रीवियस पेज में लेकर चलता हूँ ना डियर स्टूडेंट। ये है हमारा प्रीवियस पेज, तो टी ए बी है ना, टी ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, क्या टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड है ना डियर स्टूडेंट्स, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, देखिए अपन यहाँ पर देखते हैं क्या टी ए बी, टी ए बी क्या है, वो जो अपनी ऑनवर्ड जर्नी है उसका। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे स्पीड हमको गिवन है 125% है ना, 125% ऑफ एस है ना, तो ये हमको गिवन है 125 है ना। तो डियर स्टूडेंट ये हमको गिवन है स्पीड। तो डियर स्टूडेंट अब मैं कुछ नहीं करना, अपन को फॉर्मूला में पुट करना है, अब मैं जल्दी जल्दी पुट कर देता हूँ है ना। तो डियर स्टूडेंट डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है हमको 400 किलोमीटर और 125 S, ये है डियर स्टूडेंट्स प्लस, ये देखो डियर स्टूडेंट्स ये है अपनी, ये देखो ये रिटर्न, रिटर्न का क्या है, रिटर्न का क्या क्या गिवन है, रिटर्न का देखो ये देखो टोटल डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर अब डिवाइड बाई एस स्पीड, ये 16 गिवन है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा ना। अब इसके बाद क्या काम करना है, कुछ नहीं, इसके बाद हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली सॉल्व ही करना है ना, जिसको हम सिंपल करेंगे। तो जैसे ही हम इसको सिंपल करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया, पहले तो हम देखो ये 400 है ना, 400 को ले लेते हैं हम ये अपॉन 125 S प्लस 1/S इक्वल टू 16। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ है ना। तो डियर स्टूडेंट जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो अब देखो ये हमारा 125% है ना, 125% होता तो इसको मैं निकालता हूँ 125 × 100 है ना। सो डियर स्टूडेंट्स है ना, तो 125% तो ये हो गया हमारा 125%, कितना हो गया 1.25 है ना, 125% ये जो मैंने किया हूँ तो हो गया। ये आपको समझ में आया ना मैं कैसे किया, तो फिर यही हमको क्या काम कर देंगे 400 × 1/1.25 × S। ये स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं कैसे कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ है ना डियर स्टूडेंट। अब हम आगे क्या काम करेंगे, अब आगे देखो हम इसको सॉल्व करेंगे
और देखो ये हमारी जो एस की वैल्यू हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, हाउ मच, 45 किलोमीटर पर आवर। यस डियर स्टूडेंट्स, आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही कुछ नहीं है आगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा आगे बताना थोड़ा सा वो नहीं समझा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा कुछ बताना वो नहीं समझा। तो ये जो है ना, ये हमारी स्पीड है, ये स्पीड है हमारी जो है वो रिटर्न जर्नी की स्पीड है, और जो रिटर्न जर्नी की स्पीड है उससे 125% मोर है। कौन सी स्पीड है, तो जो है 125% इंटू एस, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी ऑनवर्ड जर्नी की है ना स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स ऑनवर्ड जर्नी की स्पीड कितनी है आ गई, हाउ मच, तो ऑनवर्ड जर्नी की स्पीड आ गई 1.25 इंटू 45, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये जैसे कि मैंने ये परसेंटेज को सॉल्व किया तो 1.25 आया, क्योंकि हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इंटू 45 इक्वल आ गया हमारा, ये यहाँ पर आ गया कितना आ गया, हाउ मच, 56.25 किलोमीटर पर आवर। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे डियर स्टूडेंट्स आंसर, ये आ गया हमारा आंसर डियर स्टूडेंट्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको लेकर चलता हूँ प्रीवियस पेज में। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो यहाँ पर तो यार नहीं, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन था ना, 56.25। तो डियर स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया ये डी, डी हमारा आंसर आ गया ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 56.25 किलोमीटर पर आवर, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा आंसर, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए यहीं पर इस डिस्कशन को करते हैं एंड। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर, थैंक यू सो मच।